श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं नहा कर रेडी हूँ, मीन्स स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, पूजा करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आज हम कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की छठी। तो उसके लिए मैंने आज मॉर्निंग में ही सारा सामान बना लिया, क्योंकि स्कूल जाओ फिर झूठे मुँह आओ और फिर बनाओ सब कुछ, तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मॉर्निंग में ही सुबह सुबह सब कुछ बना लेते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा कर ही स्कूल जाएंगे। तो आ गए हमारे छोटे से लड्डू जी भी आ गए। राम राम, गुड मॉर्निंग करो, राम राम करो सबको। गुड मॉर्निंग, अभी एलर्जी नहीं है, थोड़ी देर में आएगी। और प्रसाद मेरा बिल्कुल रेडी है, ये पहले आपको प्रसाद दिखाती हूँ और उसके बाद अपने लड्डू को भोग लगाती हूँ। तो कड़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, सूखे आलू बन गए हैं और जल का है मेरे पास सामान, और सारा लेकर अब मैं जा रही हूँ लड्डू जी को भोग लगाने। और लड्डू जी तो हमारे थोड़ा सा ही भोग लगाते हैं, बाकी हमारे घर के सभी लड्डू है ना, तो उनके लिए भी मैंने सारा कुछ बना के रख दिया है। आज पूरा दिन बस छठी का ही कार्यक्रम चलेगा घर में आज तो। अरे भैया, प्लेट का ढक्कन मीना हट रहा। बस इसमें हमारे राइस, और पतिदेव रेडी हैं कि मैं पूजा करके आऊं और वो मुझे चाय दें गर्मा गर्म। धन्यवाद, बस मैं भोग लगा कर आती हूँ। ठीक है, आओ श्याम जी थोड़ा भोग बनाया है, आओ श्याम जी थोड़ा भोग बनाया है, भोग बनाया है और तुमको खिलाया है, आओ श्याम जी थोड़ा भोग बनाया है, आओ कान्हा जी थोड़ा भोग बनाया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी अलबेली सरकार की जय। कान्हा जी के भोग के बाद अब मेरा भोग लग रहा है। चाय वाय बिल्कुल रेडी है, बस 6:20 हो गए हैं और मुझे रेडी होना है, और पति ने चाय बना दी कि नहीं पहले चाय पी ले फिर तैयार होना, अदरवाइज बाकी सब तो चीज़ें तैयार ही हैं हमारी। और तन में नहाने चले गए हैं, बस चाय पीकर मैं भी रेडी होती हूँ। धन्यवाद पतिदेव। कहते हैं गरम चाय की प्याली हो और कोई उसे पिलाने वाली हो, हमारा उल्टा है, गरम चाय की प्याला हो और उसे पिलाने वाला हो। और साथ में हमारा बिस्कुट प्यारा हो। पार्ले जी आज भी सबका नंबर वन, मुझे तो बिना इसके चाय अच्छी लगती नहीं है। दुनिया भर के महंगे से महंगे बिस्किट ले आओ आप, लेकिन जो टेस्ट जो स्वाद इन बिस्किट्स में है ना, आप में से किस किस को पसंद है ज़रा बताना मुझे। प्रभु आपको स्नान करने भेजा था, आप यहाँ आकर क्यों बैठ गए हैं? ये भगवान विष्णु का अवतार फिर उड़ी पोज में आ गए हैं। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर इसी अवस्था में रहते हैं, एक ये हमारे भी भगवान विष्णु हैं। बेटा लेट हो जाएंगे फिर, वही एंड टाइम में भागना, कोई देखकर देखो अभी बाप और बेटों के पंगे शुरू हो जाएंगे। इनको भी इतनी पंगे लेने की से आदत है, इतनी आदत है, छेड़ देख देख छेड़ते रहोगे आप उसे, फिर वो इरिटेट हो जाता है। या अरे 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 अब ये तन्मय तन्मय हाँ हाँ जाओ बेटे जाओ, ये तन्मय को भेजने का ट्रिक था नहाने के लिए। ओ हो हो, जल्दी भागते हुए जाओ, दौड़ते हुए आना। तन्मय तन्मय देखो, अब मैं तन्मय की आपको एक चीज दिखाती हूँ। खुल गए स्कूल, साथो उठे या नहीं जांदा, पढ़े या नहीं जांदा, साथो पढ़े या नहीं जांदा। कल से ना, कल से जब से हमने ये रील देखी है, कल से हम लोग यही एक्शन करने में लगे हुए हैं दोनों माँ बेटा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैंने किया है ये वाला एक्शन। खुल गए स्कूल, साथो उठे या नहीं जांदा, पढ़े या नहीं जांदा, साथो पढ़े या नहीं जांदा, पढ़े या नहीं जांदा, साथो पढ़े या नहीं। क्या सूख गई बेटे? प्रेस कर रहे हैं हम। और बैग बस्ता वो ऊपर टंगा हुआ है, देखो सूखा या नहीं सूखा, बारिश की वजह से कल मुझे लग रहा है पता नहीं सूखा नहीं। वाह, ये धोया था हमने, ये तो और गंदा हो गया। रुको और करते हैं साफ। सुबह का तो आपको मैंने नज़ारा दिखाया ही था, जल्दी भी उठ गए थे, छठी भी किशन जी की हमने कर ली,
और भोग भी लगा लिया और पति के साथ बैठ कर चाय भी पी ली, गप्पे भी मार ली। ऐसी गप्पों में मैं मस्त हुई कि स्कूल के लिए लेट हुई। ऐसे भाग भाग कर बस पकड़ी है, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भैया हमारा तो सुबह आराम से बैठना भी गुनाह है। पति से कहा जल्दी स्कूटर स्टार्ट करो, बस निकल जाएगी, मुझे दूसरे स्टॉप से पकड़नी पड़ेगी। पर पकड़ी मैंने अपने स्टॉप से ही, पर वो विद इन 2-3 मिनट जो भाग दौड़ मची है ना घर में, पता नहीं कैसे लेट हो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा, अभी तक नहीं पता चल रहा। मैं स्कूल से आ भी गई हूँ तब भी मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं सुबह लेट हो कैसे गई, सब कुछ तो मैंने टाइम से कर लिया था। पति से बातों करने के चक्कर में ना मैं लेट हो गई, अच्छे खासे बच्चों की तरह मैं टाइम से रेडी हो गई थी, सब कुछ टाइम से कर लिया था। हाँ याद आया, मैं सोच रही थी सूट पहन कर जाऊंगी, तो मैंने सूट पहनने के चक्कर में मैं लेट होगी, बिकॉज जब मैंने सूट पहना तो उसका दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था मुझे, फिर मुझे साड़ी निकालनी पड़ी, फिर ब्लाउज प्रेस करना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गई थी। अब मुझे याद आया तो गलती सारी फिर घूम फिर कर तो ये मेरी गलती निकल आई। मैं तो सोच रही थी पति पर ब्लेम डाल दूंगी कि तुमने बातों में लगा लिया इसलिए मैं लेट हो गई। ओहो आप किसी को बताना मत, मेरी वजह से ही मैं लेट हो गई थी सूट एंड साड़ी के कन्फ्यूजन में, है ना। और स्कूल से मैं आ गई हूँ, तन्मय ट्यूशन चला गया है गर्मा गर्म करी चावल खाकर, और मैं बैठकर टीवी देख रही थी, लाइट चली गई, तो मैंने सोचा चलो सुबह वाली बात तो आप लोगों को बताई नहीं मैंने, कि आप लोग सोचेंगे बड़े टाइम से उठकर काम निपटा लेती है, कितनी सुग्रण गृहिणी है, नहीं कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, दुपट्टे ही नहीं मिले सूट के। और अब मैं आराम से बैठी हुई हूँ, घर पर कोई नहीं है, अंश अपने कॉलेज, तन्मय अपने ट्यूशन, पति देव अपने काम पर, मम्मी रेस्ट कर रही हैं, नाउ मेरा टाइम है अब रेस्ट करने का, तो चलिए मैं भी रेस्ट करती हूँ, शाम को बात करते हैं।